नमस्कार, शॉर्ट का इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की पहली खबर नीट और जीई को लेकर सोनिया गांधी की बैठक, आज केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। आज की दूसरी खबर रायगढ़ बिल्डिंग हादसा, 19 घंटे के बाद मलबे से जिंदा निकाला गया 4 साल का बच्चा, मां के शव से था लिपटा। आज की तीसरी खबर उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई गई थी कि वो कोमा में चले गए हैं, लेकिन फिर से वो अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक में नजर आए। आज की चौथी खबर श्रीलंका ने कहा हम इंडिया फर्स्ट नीति पर करेंगे काम, चीन को हवन टोटा बंदरगाह देने को मानी बड़ी गलती। आज की पांचवी खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में व्हाइट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन समारोह किया गया, जहां भारत के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सहित 5 प्रवासियों को अमरीकी की नागरिकता के रूप में शपथ दिलाई गई। आज की छठी खबर ईडी के मुताबिक ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत की चाय कॉफी पानी में भी लेती थी वो ड्रग्स। आज की सातवीं खबर हैदराबाद के नीलकंठ बने दुनिया के सबसे तेज कैलकुलेटर, लंदन में मिला सम्मान। आज की आठवीं खबर सीरिया में आईएसआईएस के पाकिस्तानी आतंकवादियों की जांच करेगा अमेरिका, इमरान खान की बढ़ेगी टेंशन। आज की नवी खबर भारत में अगले महीने खुलेगा एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। आज की दसवीं खबर बॉलीवुड से रिया के ड्रग कनेक्शन पर कंगना रनौत ने कहा नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे, इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।